Yes, we are back. Now, in this particular video, we'll be talking about some correct and incorrect questions based on audit sampling. Let me remind you, in the beginning of every this short clipping I have told, इसके पहले भी कुछ वीडियोस हैं जो अलग अलग ऐसे से रिलेटेड हैं करेक्ट इन करेक्ट विथ रीजंस टाइप के क्वेश्चंस के लिए. यू मस्ट वॉच बिकॉज दे विल सेव योर टाइम इन द एग्जाम. बिकॉज आपको सोचने का टाइम नहीं लगेगा, आपको ऑलरेडी इतना प्रैक्टिस हुआ है कि इस टाइप के स्टेटमेंट को मैं ऐसे सपोर्ट कर सकता हूं. एंड ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं ट्रू वाले स्टेटमेंट्स, बिकॉज आपको लगता है ये तो ट्रू है, इसमें मैं और क्या लिखूं. तो इसीलिए ऐसे प्रैक्टिस सेशंस आपको देखना बहुत जरूरी होगा. ओके, आई थिंक द वॉइस इज बीइंग रिकॉर्डेड. ओके ओके, सबसे पहले आप यहां पर आ जाइए, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस देखिए. यूनिवर्स रेफर्स टू द एंटायर सेट ऑफ डेटा फ्रॉम व्हिच अ सैंपल इज सिलेक्टेड एंड अबाउट व्हिच द ऑडिटर विशेस टू ड्रॉ कंक्लूजंस. ओके, तो यूनिवर्स नहीं, उसे पॉपुलेशन बोलते हैं. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. एंटायर सेट ऑफ डेटा, देखो लिखने का स्टाइल वापस सेम चीज को लिखा है, इज नोन एज पॉपुलेशन एंड नॉट यूनिवर्स. सो आई डोंट थिंक दिस विल कम, दिस इज टू सिंपल. 98 नंबर या जो भी आपके नंबर्स हो, अगर नंबर्स चेंज भी, तो ऐसा क्वेश्चन कहां नंबर पे है वो देखिए. नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द रैंडम सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम्स एंड द यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी. नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग में ये होता है, टू इवैल्यूएट सैंपल रिजल्ट्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिस्क कैरेक्टरिस्टिक्स. नॉन स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन approach which has the random selection and the use of probability. The statement is incorrect. ये actually statistical approach होता है. Non-statistical sampling में ये use नहीं होता है, ये incorrect होगा, misprint हुआ है. Non-statistical is based on judgment, more on judgment पर based है, पुराने experience पर based है, ये इस पर based नहीं है. Sample need not be representative, ये incorrect है. यहां पे लिखा हुआ है सैंपल नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर अप्रोच यू चूज, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल. इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन ऑल्दो नॉट नेसेसरली एग्जैक्टली द सेम. हो सकता है ये स्टेटमेंट दे दे कि इट मस्ट बी एग्जैक्टली द सेम एज पॉपुलेशन, तब आप बताओगे इट्स फॉल्स, इट्स इनकरेक्ट. इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर, ये वर्ड्स दिख रहा है आपको, इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन. और फिर आप उसको सब्सटैंशिएट कैसे करोगे, आंसर को सपोर्ट कैसे करोगे, सैंपल नीड्स टू बी रिप्रेजेंटेटिव, इट मस्ट बी क्लोजली सिमिलर टू द होल पॉपुलेशन, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव. इज इट ओके? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इज टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटा. लैंग्वेज ध्यान से देखो, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम and therefore allows sample sizes to be reduced without increasing the sampling risk. ध्यान से देखो, stratification याद है आपको, जैसे आपने अलग अलग वो बना दिए, 10,000 से 15,000 का एक strata, वहां से कुछ samples draw होंगे, 15,000 से 20,000 का एक strata, वहां से कुछ samples draw होंगे. So लिखा है objective is to increase the variability of items. Start reading this. ये incorrect है वैसे तो. Got it, everyone? The objective is dividing a heterogeneous population into similar homogeneous groups known as strata. The objective of stratification is to reduce the variability of items within each strata and allows the sample size to be reduced without increasing the sampling risk. यहाँ पे हम क्या चाहते हैं? रिड्यूस करना चाहते हैं. वी वॉन्ट टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटम एंड विदाउट इंक्रीजिंग द सैम्पलिंग रिस्क. सैम्पलिंग रिस्क मैं नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, बट वी वॉन्ट टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स ताकि हर क्लास में सिमिलर टाइप के आइटम्स रहे. इन्होंने ऊपर क्या लिखा था, इट इन वॉन्ट्स टू इंक्रीज द वेरिएबिलिटी. नो नो नो, इट वॉन्ट्स टू एक्चुअली रिड्यूस द वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम्स विद इन ईच स्ट्रेटा. पता, शॉर्ट क्वेश्चन करने से क्या होते हैं, आपको जो ऐसे से भय और डर लगा रहता है कि मैं कैसे पढ़ूं, तो आप एकदम
तोड़ तोड़ कर एसेस को पढ़ लेते हैं और आपको इवेंचुअली पूरा एसेस का कॉन्सेप्ट भी अच्छा रिवाइज हो जाता है. सो आई एम स्ट्रिक्टली इन फेवर ऑफ डूइंग दीज क्वेश्चन. इनफैक्ट एग्जाम के एक दिन पहले भी आपको सवा घंटा करेक्ट इनकरेक्ट विथ रीजन जो हर चैप्टर के एंड में भी दिया हुआ इंस्टीट्यूट मैट पर भी हम लोग ने भी अपने बुक में उसी को इनकॉर्पोरेट किया. यू मस्ट डू दैट. नेक्स्ट, while auditing the accounts of a company it is obligatory that the auditor must adopt sampling techniques. oh very interesting, must adopt jo word aaya hai, it must adopt the sampling techniques, it is incorrect. ye judgment par depend karta hai ki wo use kare ya na kare. okay, but agar wo use karega then SA 530 ke anusar hi karega. ab wo kare to acha hai बिकॉज इसमें क्या होता है, एसेज में पूरा प्रॉपर स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है कि कैसे आपको सैंपल्स ड्रॉ करना चाहिए. सैम्पलिंग टेक्निक यूज करना कमेंडेटरी नहीं है, बट इफ यू आर यूजिंग देन यू हैव टू यूज एसे 530. यानी इन पांच छह इसके पहले वाले क्लिपिंग्स में अज्यूम कर रहा हूं आप देखे होंगे, मैंने आपको क्या बताया, आंसर्स में एसेज का रेफरेंस, आंसर्स में अगर कोई कंपनीज एक्ट बेस्ड सेक्शन है तो उसका रेफरेंस. अंडरस्टूड? तो मेक अ हैबिट ऑफ डूइंग दीज थिंग्स. क्लस्टर सैम्पलिंग इज लेस इफेक्टिव दैन रैंडम सैम्पलिंग. इस टाइप के और छोटे छोटे ब्लॉक सैम्पलिंग पर यहां पर क्वेश्चन आ रहा है. द मेथड विच इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन टू ग्रुप ऑफ आइटम्स इज ब्लॉक सैम्पलिंग. नो, ग्रुप ऑफ आइटम्स को जो डिवाइड करते हैं उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोलते हैं. ब्लॉक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, ये हम लोग सब एसएस के क्लास में ऑलरेडी अच्छे से कर चुके हैं. So these are some questions which I feel that you must prepare. इसी दौरान मैं देखता हूं यहां पर अगर मुझे आपको ऐसे 530 दिखाने का मौका मिलेगा जो मेरी मार्किंग्स हैं. I think this is not the case. Wait, 30 seconds wait करिए. Otherwise, I'll incorporate in another video. I'm trying to do it now here. तो ठीक अभी नहीं दिख रहा, but I would like to say that SA 530 जरूर से revise कर लेना, because वहां से और भी correct and incorrect बहुत सारे बन सकते हैं जो आपको अच्छे से practice भी कर लेना चाहिए. SA 530 दिख गया है मुझे. लॉट ऑफ ऐसे सीन, बट ऐसे 530 नहीं दिख रहा है. यहां मैंने जो बुक्स में मार्किंग्स की थी वो यहां पर दिख रहा है. स्ट्रेटिफिकेशन, साइंटिफिक सैम्पलिंग और ये सारे चीजें हैं यहां पर. एडवांटेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा. बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं. सैम्पल डिजाइन क्या चीज पर डिपेंड करता है, That is important. Sample size किस पर depend करता है? Yes, block sampling. यहां पे पहले population को आप divide कर देते हैं homogeneous blocks में. Instead of picking samples from each block, auditor picks up the blocks and check them totally. For example, he may pick a block of first 200 sales invoices from the every month sales book. इस type से करके कुछ करेगा. Haphazard sampling is of course non-statistical. और उसी तरह यहां पर systematic sampling, random sampling, बहुत सारे वो भी दिए हुए थे. Random sampling, simple random, stratified random, monetary unit sampling. यहां पर क्या होता है, you decide 10 लाख के वाउचर्स चेक करने हैं आउट ऑफ 1 करोड़. सो इफ वन सैंपल में ही 10 लाख हो जाता है तब और चेकिंग नहीं करेंगे. तो उतने सैंपल्स चेक करिए कि अराउंड रुपीज 10 लाख के आपके सैंपल्स चेक हो जाएं. इज इट ओके? सैंपलिंग रिस्क दो टाइप्स के हो सकते हैं. या मैं जस्ट इसलिए टच कर रहा हूं बाई चांस इनके कोई कमेंट आए या ट्रू फॉल्स आए. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के समय द कंट्रोल्स, आपको अगर ये लगे दैट controls are more effective than they actually are, okay, because aapne over rely kar liya on internal controls par, aapne over reliance kar liya tha, you over relied ki are sab kuch acha hai, that is over reliance.
और कई बार टेस्ट ऑफ डिटेल्स में मटेरियल स्टेटमेंट आपको लग रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, बट इन फैक्ट इट एग्जिस्ट. दिस इज अगेन ओवर रिलायंस ऑन इंटरनल कंट्रोल्स. तो इसी तरह यहां पर आप देखोगे, एक होता है रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में टेस्ट ऑफ इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस. आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स. तो अगर आप ओवर रिलायंस करते हैं, इट इफेक्ट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट एंड इट लीड्स टू रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एमसीक्यू. ओवर रिलायंस ऑन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, इनकरेक्ट एक्सेप्टेंस इन द केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स से रॉन्ग ऑडिट ओपिनियन आ जाता है, इफेक्टिवनेस पर क्वेश्चन मार्क आता है. और अंडर रिलायंस में आप फिर और चेकिंग करते रहते हैं, आपको लग रहा है गड़बड़ है जबकि गड़बड़ नहीं है. इनकरेक्ट रिजेक्शन, यहां पे इनएफिशिएंसी इन ऑडिट आता है. दोनों वर्ड्स का उपयोग समझिए. यहां इफेक्टिवनेस से क्वेश्चन मार्क हो जाता है बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव था ऑडिट करने का वो ओपिनियन आप गलत दे देते हैं. इफेक्टिवनेस, वहां पे इनएफिशिएंसी इन कंडक्ट ऑफ ऑडिट. ओके एवरीवन. उसी तरह यहां एक वर्ड था, प्लीज ध्यान से देखना, जिस पर करेक्ट इनकरेक्ट आ सकता है. तो ये आप समझ गए, ओवर रिलायंस से इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट पर क्वेश्चन मार्क आती है. टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन, दैट इज एनोरिक है. टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, यानी इसके नीचे अगर सैंपल्स में मिल रहा है, टॉलरेबल यानी कि वी हैव टू रिड्यूस. तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट मतलब यहां पर क्या है, प्लीज ध्यान से सुनिए. इफ इट क्रॉसेस द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, देन आई अप्लाई सैंपल अगेन टिल आई प्रूव दैट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट इज ग्रेटर दैन मटीरियलिटी लेवल. यानी कि आप ज्यादा मिसस्टेटमेंट्स नहीं हुआ है. यहाँ पे एक फॉर्मूला भी मैंने दिया, दैट परफॉर्मेंस मटीरियलिटी प्लस अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इज लेस दैन द मटीरियलिटी लेवल. एंड टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन इज परसेंटेज ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स लैप्सेस सीन वाइल टेस्टिंग, दैट इज टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन. तो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए दैट आवर टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट must be greater than the materiality level. Okay? So, इन चीजों को देखने के बाद there are some long questions. मतलब इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा टच कर दिया because यहां से लोगों को confidence नहीं आता and this is a little difficult essay. देखो, tolerable misstatement is a monetary amount set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain a level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded, ये अच्छा definition है बल्कि, is not exceeded by the actual misstatement in the population. हमने एक amount set किया है अपने experience से, actual misstatement should not cross this, okay? And tolerable rate of deviation के बारे में भी हमने बहुत कुछ explain किया था, I'm not going into that detail again. अच्छा, यही book के पीछे same ही almost दिए रहे थे यहाँ पर. Now, low acceptable sampling risk requires larger sample size. इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? करेक्ट, बिकॉज सैम्पलिंग रिस्क अराइजेस फ्रॉम द पॉसिबिलिटी दैट ऑडिटर्स कंक्लूजन बेस्ड ऑन अ सैंपल मे बी डिफरेंट फ्रॉम द कंक्लूजन दैट वुड हैव बीन रीच्ड इफ द सेम प्रोसीड्यूर्स वर अप्लाइड. सो इफ द सैंपलिंग रिस्क इज लो, एक्सेप्टेबल रिस्क इज लो, देन लार्ज सैंपल साइज इज नीडेड. यानी इनडायरेक्टली सैंपलिंग रिस्क के डेफिनेशन को भी आप यहां पर इनकॉर्पोरेट कर दिए. तो ये करेक्ट इनकरेक्ट चैप्टर्स के एंड में भी मैंने डाला है, जो इंस्टीट्यूट की मैट के एंड में भी दिया हुआ है. मोस्ट ऑफ देम आई एम ट्राइंग टू कवर. नाउ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगर आपके मैट में नहीं है, बाद में आप देख लीजिएगा, ये इंस्टीट्यूट के मैट में भी दिया हुआ है. इन स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग द कंक्लूजन ड्रॉन ऑन ईच स्ट्रेटा कैन बी डायरेक्टली प्रोजेक्टेड टू द होल पॉपुलेशन. This is interesting. In stratified sampling, the conclusion drawn on each strata. मेरे जो नए books हैं, उसमें ऐसे 530 के end में questions end में दिए हुए, जिसकी PDF आपको भेजी हुई है. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? In case of stratified sampling, conclusions are drawn on the strata. The combination of all the conclusions together will be used to determine the possible effect of misstatement. Hence, the samples are used to derive conclusion only on the respective stratum. And not the whole population. Very, very important. Full page करिए, वापस से एक बार पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा. ये second video आपके जाने के बाद, एक मैंने pause करके re-record किया है. Start reading please. कि आप बोल रहे थे कि stratified sample में जो भी आप देखते हैं वो directly population में आप predict कर देते हैं, ऐसा नहीं है. Start reading the writing pattern. Very important. In fact, अगर आपको ये नहीं मिल रहा अभी कहाँ है, I would request students to copy this point number 10 specially.
पॉइंट नंबर 10 सेम एग्जाम में आ सकता है. प्लीज कॉपी दिस पॉइंट नंबर 10. स्टार्ट राइटिंग प्लीज, आलस मत करिए, इसको जरूर लिख लीजिए. और आंसर भी यहां है, आंसर भी मैं चाहूंगा, फोटो उतार लीजिए 10 का. जो भी कंक्लूजन्स क्वेश्चन, क्या रीड कर दूं? अच्छा, आई विल रीड इट आउट अगेन फॉर यू. In stratified sampling, the conclusions drawn on each stratum can be directly projected to the whole population. No, conclusions on each strata cannot be directly projected on the whole population. उससे हमें सिर्फ strata के बारे में पता चलता है, stratum के बारे में पता चलता है. Is it fine? So this covers essay 530 के correct and incorrect. Thank you so much.